A very good morning, students. So today I am here once again to teach you math subject. Students, कल आपको जो वीडियो सेंड हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स उसके आगे के आपको समझाए थे, ओके? एंड आज भी आपका फर्स्ट चैप्टर का आगे के कुछ टॉपिक्स होंगे वो आपको क्लियर किए जाएंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज है, नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे जब मैं हम लोग आपको वीडियो सेंड करते हैं उसी टाइम लिमिट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैथ्स क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी बार क्वेश्चन पुटअप करेंगे अपने टीचर से उतना ही आपको समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ ओपन योर बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट स्टडी. स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 9, क्योंकि 8 पे हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था. अब हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, आपका जो ये 9 पेज नंबर पे टॉपिक है वो है नियर एंड फार. नियर एंड फार. बच्चों, नियर का मीन्स क्या होता है? नियर का मीन्स होता है पास, ठीक है? और फार का मीन्स क्या होता है? दूर. दूर, पास. नियर का मीन्स क्या होता है? पास. और फार का मीन्स क्या होता है? दूर. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया गया है. किनी इज़ नियर द ट्री. किनी कहाँ है? एक ट्री के पास खड़ा हुआ है, ठीक है? अपने अपने बच्चों अपने अपने बुक में देखिए आप सभी. क्रिस इज़ फार फ्रॉम द ट्री. और क्रिस कहाँ है? ट्री से थोड़ी दूरी पर उसको शो किया गया है. इट मीन्स फार. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. टिक द चाइल्ड हु इज़ नियर द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस द वन हु इज़ फार. जैसे हम लोग पहले के कुछ पेजेस में हम लोगों ने ये की हैं, कंप्लीट की एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, उसी तरह आपका इस पेज पे भी है. ये देख सकते हैं आप लोग. एक साइकिल, दो साइकिल बच्चे चला रहे हैं एंड एक जो लाइन है फिनिशिंग लाइन उसके पास जो भी चाइल्ड उसके पास में है उसको क्या करना है? इस तरह से टिक करना है, ओके? और जो बच्चा फिनिशिंग लाइन से दूर चला रहा है साइकिल उसको इस तरह से क्रॉस करना है, ओके स्टूडेंट्स? इसी तरह आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी बना हुआ है. टिक द शिप विच इज़ फार फ्रॉम द लाइट हाउस एंड सर्कल द वन विच इज़ नियर इट. जो शिप है, जहाज पानी का, वो लाइट हाउस के जो पास है उसको क्या करना है? आपको टिक करना है. और जो दूर है उसको क्या करना है? टिक करना है. और जो पास है उसको सर्कल करना है, ओके? क्रॉस नहीं करना है इसमें सर्कल करना है. स्टूडेंट्स, नीचे आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो मैं उनको रीड कर रही हूँ, आप अपनी अपनी बुक्स में देखिए. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर. आप यहाँ पे कुछ दो पिक्चर्स शो हो रही हैं, इन पिक्चर्स को देखकर आपको आंसर पुटअप करना है, ठीक है? हु इज स्टैंडिंग नियर द फ्रॉग. फ्रॉग के पास कौन खड़ा हुआ है, ठीक है? तो फ्रॉग के पास कौन खड़ा हुआ है? यहाँ पे बियर. फ्रॉग के पास कौन खड़ा हुआ है? मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ, बियर. ओके, डैश करके लाइन दी हुई है इस तरह से, उसके ऊपर क्या लिखना है? बियर. एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इस बॉडी इज स्टैंडिंग फार फ्रॉम क्रिस. क्रिस के दूर, बर्ड जो है वो क्रिस से क्या दूर खड़ी हुई है? क्रिस यहाँ पे एक मंकी को दिखाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे? यस. ओके, यस लिखेंगे यहाँ पे. यस, हाँ, जो बर्ड है वो कहाँ पे खड़ी है? दूर खड़ी हुई, दूर बैठी हुई है क्रिस से. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 10. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको न्यू टॉपिक दिया हुआ है. न्यू टॉपिक का आपका क्या नेम है? न्यू टॉपिक का आपका नेम है नियरेस्ट एंड फर्देस्ट. नियरेस्ट एंड फर्देस्ट. नियरेस्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों? नियरेस्ट का मीन्स होता है सबसे पास. सबसे पास. और स्टूडेंट्स, फर्देस्ट का मीन क्या होता है? फर्देस्ट का मीन्स होता है सबसे दूर.
बच्चों अभी हम लोगों ने जो पहले पेज पढ़ा था उसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। बट नियरेस्ट और फर्देस्ट जो यूज़ होता है वहाँ पे दो चीज़ों का नहीं, दो से ज़्यादा चीज़ों का, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का, एनिमल्स का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट का मीन्स होता है सबसे पास एंड फर्देस्ट का मीन्स होता है सबसे दूर। ओके, समझ में आया। तो लिसन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज टाइप में दिया हुआ है। टिक द बर्ड नियरेस्ट टू द कॉर्न। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कॉर्न बना हुआ है, कॉर्न मीन्स भुट्टा। ओके, तो फिर कॉर्न आपको यहाँ पे उस बर्ड को टिक करना है जो कॉर्न के सबसे पास में है। आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सी बर्ड सबसे पास है कॉर्न के, ठीक है। तो जो सबसे आगे वाली बर्ड, सबसे पास मतलब होता है सबसे आगे, तो उसको क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, क्रॉस द बर्ड फर्देस्ट फ्रॉम द नेस्ट। यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं जो कि अपने घोंसले यानी नेस्ट से, नेस्ट के कुछ पास हैं, कुछ दूर हैं, ठीक है। तो जो सबसे दूर है घोंसले से, जो सबसे दूर बर्ड है, उस पर क्या करना है आपको, इस तरह से क्रॉस करना है, ठीक है। बच्चों आपको नीचे की एक्सरसाइज में भी जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ये मैं आपको समझा दे रही हूँ ओरली, और आपको बुक में अपने आप से करना है। ओके, टिक द बी नियरेस्ट टू द फ्लावर। जो मधुमक्खी जो फ्लावर के सबसे पास है उसको क्या करना है, टिक करना है। और यहाँ पे आपको एक रैबिट दे, कुछ रैबिट्स दे रखे हैं, क्रॉस द रैबिट फर्देस्ट फ्रॉम द कैरेट। कैरेट के यानी कि गाजर के पास जो सबसे दूर गाजर के जो रैबिट है उसको क्रॉस करना है। आप पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते होंगे कि उसमें क्या दिया गया है। लास्ट है, टिक द चाइल्ड नियरेस्ट टू द बॉल। एक यहाँ पे बॉल बनी हुई है और तीन बच्चे बने हुए हैं। इस बॉल के सबसे पास जो चाइल्ड है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। और क्रॉस द स्पाइडर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्देस्ट फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्लावर के सबसे दूर है। ओके, जो एक नीचे फ्लावर बना हुआ है और ऊपर कुछ क्या बनी हुई है, स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स क्या होता है, मकड़ियाँ। ओके, तो जो स्पाइडर फ्लावर से सबसे दूर है उसको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, आपको सिर्फ टिक और क्रॉस करना है। होप आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 11। स्टूडेंट पेज नंबर 11 पे आपका जो टॉपिक है वो है मोर एंड मोस्ट। बच्चों मोर मीन्स क्या होता है, मोर मतलब होता है ज्यादा। ओके, और मोस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे ज्यादा। इसको सब ज्यादा भी बोल सकते हैं और अधिक भी बोल सकते हैं। ओके, हिंदी में इसको क्या होगा, सबसे, सबसे ज्यादा या अधिक, ठीक है। स्टूडेंट मोर का मीन्स क्या होता है, अधिक या ज़्यादा, और मोस्ट का मीन्स क्या होता है, सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टिक द ग्रुप विच हैज़ मोर, हम लोग ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, ग्रुप्स का। एक ग्रुप में बहुत सारे एप्पल्स दिए हुए हैं और एक में 3 एप्पल्स दिए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा कौन है, इधर वाले एप्पल्स ज़्यादा है ना, तो ये वाले एप्पल्स क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल एक अपनी तरफ से बता दे रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो बॉल बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल बना हुआ है, और यहाँ पे 3 बॉल्स बने हुए हैं, तो, और यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा हुआ है साइड में। अब बताइए इसमें से ज़्यादा कौन से वाले हैं, तो ज़्यादा तो 3 बॉल्स हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोर लिखा हुआ है ना, टिक द ग्रुप विच हैज़ मोर, उस ग्रुप को टिक करना है जो ज़्यादा है। ओके, बच्चों समझ में आया आपको। इसी तरह इसी बेस पे, इसी एग्जांपल के बेस पे आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बहुत ईजी है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका है, क्रॉस द ग्रुप विच हैज़ द मोस्ट, उस ग्रुप को क्रॉस करना है। एग्जाम्पल यही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, समझाने का बस वर्ड चेंज हो जाएगा यहाँ पे। लिसन स्टूडेंट्स,
क्रॉस द ग्रुप विच हैज द मोस्ट, उस ग्रुप को क्रॉस करना है जिसमें तीन ग्रुप यहाँ पे दे रखे, एक में यहाँ पे दो बना देते हैं, ठीक है, दो बॉल और ड्रॉ कर देते हैं। एक ग्रुप है टू बॉल्स का, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट, एक ग्रुप है थ्री बॉल्स का और एक ग्रुप है वन बॉल का। बच्चों एक ग्रुप है टू बॉल्स का, एक ग्रुप है थ्री बॉल्स का और एक ग्रुप है वन बॉल्स का। तो अब हमें तीन ग्रुप में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो तीन ग्रुप में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, यहाँ पे थ्री बॉल्स है ना, इसीलिए इसको टिक आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ग्रुप्स का कंपैरिजन था इसीलिए यहाँ पे मोर दिया हुआ था, यहाँ पे थ्री ग्रुप्स का कंपैरिजन है इसीलिए यहाँ पे मोस्ट दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देख लीजिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट्स नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपको जो टॉपिक दिया हुआ है बच्चों, वो टॉपिक है लेस और लीस्ट। ओके, लेस में क्या है, लेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम, ठीक है, और लीस्ट का मीन्स क्या होता है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। लेस का मीन्स होता है थोड़ा कम एंड लीस्ट का मीन्स होता है सबसे कम। ओके, तो यहाँ पे अब हम कम पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम लोगों ने ज़्यादा वाला पढ़ा था मोर एंड मोस्ट, अब हम पढ़ेंगे लेस और लीस्ट। अब यहाँ पे आपको वैसे ही है, ग्रुप में कंपैरिजन करना है, टिक द ग्रुप विच हैज़ लेस, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ब्रिंजल दे रखे हैं और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें थोड़े कम ब्रिंजल दे रखे हैं। तो अब क्या करना है आपको, जिसमें कम होंगी चीज़ें उसको टिक करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी बॉल है, तीन बॉल है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, मोर और मोस्ट में जो ज़्यादा थी उसमें टिक कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे लेस और लीस्ट, लेस और लीस्ट आया है, इसीलिए जो सबसे कम होगा, यहाँ पे कौन सी बच्चों बॉल कम है, यहाँ थ्री है यहाँ वन है, तो जो थ्री होता है वो वन से ज़्यादा होता है और वन कम होता है, इसीलिए वन को टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस और लीस्ट वर्ड हमको समझाया गया है। क्लियर, इसी तरह आपको ये टॉपिक जो दिया गया है उसको बुक में फिल करना है, बहुत इजी है, बस टिक करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है, क्रॉस द ग्रुप विच हैज़ द लिस्ट। बच्चों अब यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में तो आपको दो ग्रुप दिए थे उसमें से आपको कंपैरिजन करना था, अब यहाँ पे थ्री ग्रुप्स हैं उसमें आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। लाइक दैट, जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे टू बॉल्स बने हुए हैं, तीन ग्रुप हो गए, ठीक है, एक ग्रुप जिसमें टू बॉल्स हैं एंड वन, सेकेंड ग्रुप जिसमें वन बॉल है एंड थर्ड ग्रुप जिसमें थ्री बॉल है। तो अब बताइए इन तीन ग्रुप्स में सबसे कम बॉल किस में है, इसी में तो है, इसी तो फिर इसी को टिक करेंगे। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी ये, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें टू बॉल्स हैं, फिर दूसरा ग्रुप है जिसमें एक बॉल है और यहाँ पे थर्ड ग्रुप है जिसमें तीन बॉल हैं। तो सबसे कम बॉल किस में है बच्चों, इसी में तो है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी हुई है, इसको भी आपको उसी तरह करना है जैसे मैंने एग्जांपल समझाया है। नाउ ओपन योर पेज, आपका पेज नंबर है 13, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों, स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या बताया गया है, मैच वन टू वन। अब यहां पे आप देखिए, ये तो ओरल ही एक्सरसाइज हो जाएगी, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे कुछ कलर के कप्स दिए हुए हैं और यहां पे कुछ कलर की कैटल्स दी हुई हैं, ठीक है, थीके? तो आपको जिस कलर का कप है उस कलर की कैटल से आपको मैच करना है। ये एक्टिविटी टाइप में है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इसी तरह लास्ट में है, मैच द फ्रूट टू देयर कलर। एक यहाँ पे फ्रूट दिया हुआ है और नीचे उसके कलर दिए हुए हैं, चार फ्रूट दिए हुए हैं, चार कलर दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको उस
फ्रूट को उसके कलर से मैच करना है। ये एक्टिविटी टाइप में है, मैच करना है आपको ओनली, और ये काम बुक में ही करना है। ये सब अभी तक जितना भी वर्क मैं करा रही हूँ ये आपका बुक वर्क का वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे स्टूडेंट्स आपको क्या दे रखा है, कंप्लीट द ग्रुप। ये भी ड्रॉ करने वाला नहीं है बच्चों, ये आपको ओरली बताने वाला है। टिक द करेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड बॉक्स टू कम्प्लीट द ग्रुप इन द फर्स्ट बॉक्स। ये आपको पहला बॉक्स दे रखा है, देख रहा है आपको, जिसमें आपको बुक दी है, इरेजर दी है एंड पेंसिल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं और यहाँ पे इसके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें चार चीज़ें दी हुई है, बट आपको इसमें से एक कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठाना है और इस ग्रुप को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं बुक, इरेजर और पेंसिल क्या होता है, स्टेशनरी का सामान होता है, ठीक है, आपके यूज़ में आता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेडियो दिया हुआ है, टॉर्च दी हुई है, बॉल दी हुई है और एक शार्पनर दिया हुआ है। तो आप किसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, आप शार्पनर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस उस ऑब्जेक्ट को टिक कर देना है जिससे ये ग्रुप कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको नीचे का भी दिया हुआ है पोर्शन, दो पोर्शन दिए हुए हैं दो क्वेश्चन में, ठीक है, इसको आपको शॉर्ट आउट करना है। स्टूडेंट्स आज के लिए आपकी क्लास ओवर हो रही है, आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक में नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज एंड कॉल के थ्रू स्टूडेंट्स। और आई होप कि आप सभी को मेरी क्लास जो है वो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।